हेलो स्टूडेंट्स, इज मैटर अराउंड अस प्योर में ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात की, जिसमें हमने एलिमेंट्स डिस्कस किए थे। सेकंड लेक्चर में मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, थर्ड लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की बात की, और ये फोर्थ लेक्चर है आज का हमारा। इसमें हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की सेकंड कैटेगरी, जो है कंपाउंड। अगर किसी स्टूडेंट ने ये वीडियोस नहीं देखी हो तो यहाँ इस वीडियो के ऊपर एक आई बटन है, आप उसे प्रेस करेंगे तो सभी वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। इस वीडियो में हमें स्टार्ट करना है, हमने कहा था प्योर सब्सटेंस जो है मैटर, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में हमने डिवाइड किया था, और हमने कहा प्योर सब्सटेंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट्स की हम बात कर चुके हैं, एलिमेंट को हमने तीन में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। और अब बात करनी है हमें कंपाउंड की। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड को अगर हम डिफाइन करें तो कंपाउंड क्या है, द प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन करते हैं, तब जो प्योर सब्सटेंस बनता है वो कहलाता है कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया वाटर का, H2O। अब H2O जो है ये कंपाउंड है, क्यों है, क्योंकि ये होमोजेनस है, एक जैसा है थ्रू आउट द सैंपल। दूसरी बात, हम क्या करेंगे इसमें, मैंने आपको कंपाउंड के फीचर्स भी बताए थे, और इसमें वाटर जो है प्योर कंपाउंड क्यों है, प्योर सब्सटेंस क्यों है, कंपाउंड क्यों कहलाता है। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। और फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास कैसे है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है एक, दो एटम है यहां पर, तो यहां पर आ रहा है टू, और ऑक्सीजन है 16। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स प्रोपोर्शन में 1:8 में कंबाइन करते हैं तब बनता है वाटर। इसी तरीके से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। तो यहां मास की रेशियो क्या आ जाएगी, 12। ऑक्सीजन का हमने यहां 16 लिया, तो यहां कितना है 32। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3:8। यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन हुए तब कार्बन डाइऑक्साइड बना है, चाहे इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस, चाहे किसी भी प्रोसेस से बनाओ, चाहे कार्बन को हमने बर्न किया तब कार्बन डाइऑक्साइड बना हो, चाहे हमने कैल्शियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन की तब कार्बन डाइऑक्साइड बना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स, फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में जब ये एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तब जाके कंपाउंड बनेगा। तो इसका मतलब ये डेफिनेशन जो है वो यहां से क्लियरिफाई हो जाती है। मैं एक और एग्जाम्पल आपको एक्सपेरिमेंटली, जो हम एक्सपेरिमेंट्स में एग्जाम्पल बताते हैं वो लेके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कि मान लीजिए मैंने आयरन और सल्फर का पाउडर लिया है, मैंने दो चाइना डिश में ए और बी में क्या लिया, मैंने आयरन प्लस सल्फर पाउडर, इसमें भी और बी वाले में भी, बी चाइना डिश में भी मैंने क्या लिया, आयरन और सल्फर का क्या ले लिया, मैंने पाउडर ले लिया है। ये पाउडर फॉर्म में है और हमने इसको क्या किया, मिक्स कर लिया है। ये भी पाउडर फॉर्म में है और इसको भी हमने क्या किया, मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद क्या किया, जो हमारा सैंपल ए है इसे मैंने एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में लिया, ड्राई टेस्ट ट्यूब में लेके और क्या किया, इसको मैंने हीट कर दिया। हीट करने के बाद एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा, ब्लैक प्रोडक्ट विल ऑब्टेन्ड, यहां पर आ गया। और इसे मैंने क्या किया, इसे सिर्फ मिक्स करके मैंने उसमें सैंपल को रख रखा है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां केमिकल रिएक्शन हुआ हीट करने पर, ये जो ब्लैक कलर का प्रोडक्ट बना है ये बना है आयरन सल्फाइड,
अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहें कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो हम इसी एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। अब क्या होगा, ये हमने जो मिक्स करके बनाया, ये जस्ट इट इज अ मिक्सचर, क्योंकि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू सब्सटेंस, मिक्स कर रखे हैं सिर्फ हमने। तो हमें कैसे पता चला ये मिक्सचर है और ये कंपाउंड है, हमें पता है आयरन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट। तो अगर मैं मैग्नेट को ले जाऊं इसके पास, तो मैग्नेट से क्या होगा, आयरन अट्रैक्ट हो जाएगा, आयरन अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स मैग्नेट। इसका मतलब क्या है कि हम इसे क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट्स इनटू कंपोनेंट्स। और क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं इस मिक्सचर में, ये जो हमने मिक्स किया था, इसमें कार्बन डाइसल्फाइड जो कि एक सॉल्वेंट है, कार्बन डाइसल्फाइड, इसे इसके अंदर ऐड कर देती हूं, तो क्या होगा, इसमें सल्फर डिसॉल्व कर जाएगा, सल्फर डिसॉल्व, और आयरन जो है लेफ्ट अनडिसॉल्व, आयरन बिना घुले नीचे रह जाएगा, जिसे आप फिल्टर करोगे तो आपके पास आयरन के पार्टिकल्स आ जाएंगे। और इसमें क्या है, अगर मैं इसके पास मैग्नेट लेकर जाती हूं, नथिंग विल हैपन, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, ये हमारे पास कंपाउंड बन चुका है। अब इसके जो कंपोनेंट थे, कंपोनेंट था आयरन और सल्फर। अब आयरन की क्या प्रॉपर्टी थी कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता था, लेकिन आयरन सल्फाइड मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा। सल्फर की क्या प्रॉपर्टी थी, अभी हमने उधर बताया कि कार्बन डाइसल्फाइड डाल दे तो इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। सल्फर जो है वो CH2 में डिसॉल्व हो जाता था। इसका मतलब कंपाउंड जो है, कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से डिफरेंट होती हैं, सेम नहीं होती। दूसरी बात, यहां पर हमने क्या कहा, यहां हमने कहा कि ये मिक्सचर है और इसे हम इसके कंपोनेंट में, मतलब ये मिक्सचर है मेरे पास, तो मैंने आयरन को मैं सेपरेट कर सकती हूँ मैग्नेट के थ्रू, सल्फर को मैं कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व कर दूं तो सल्फर वहां चली जाएगी और आयरन जो है वो लेफ्ट रह जाएगा। तो मिक्सचर और कंपाउंड में बहुत आसानी से डिफरेंशिएशन हो सकती है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, और अगर आप इसे मैग्नीफाइड ग्लास से देखोगे तो ये क्या करेगा, ये एक जैसा नजर आएगा आपको, बिल्कुल होमोजीनस ये नजर आएगा। क्यों, क्योंकि कंपाउंड जो है वो होमोजीनस नेचर के होते हैं, दे कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू देयर कंपोनेंट, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड लगाया हमने, या मैग्नेटिक सेपरेशन लगाया है, या सॉल्वेंट मेथड लगाया हमने, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो है ये कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं हो रहे हैं, जबकि जो मिक्सचर है उसकी खासियत क्या है कि एक तो क्या कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज है वो अपने कंपोनेंट से मैच करती है। भाई मैग्नेट से आयरन अट्रैक्ट हो सकता था, यहां भी अट्रैक्ट हो रहा है मिक्सचर में जब वो है, सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व हो सकता था और मिक्सचर में भी वो डिसॉल्व हो रहा है। इसका मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके कंपोनेंट के जैसी हैं, यानी कंस्टिट्यूएंट्स के जैसी हैं। और दूसरी बात ये कि हम इन कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। तो अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। अब अगर आप इस एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखोगे तो आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो आसानी से पता चलेगी। तो प्रॉपर्टी में हम पहली प्रॉपर्टी कर रहे हैं कि कंपाउंड कैसे बनता है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास से बनता है। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। दूसरी बात, अ कंपाउंड इज, जो कंपाउंड है, कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनस इन नेचर। अभी हमने एग्जांपल लिया आयरन सल्फाइड का, मैंने आपको कहा कि अगर आप उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो तो क्या होगा, वो एक जैसा थ्रू आउट द सैंपल आपको नजर आने वाला है। Formation of a compound, formation of a compound mostly या generally accompanied by
इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. जैसे अभी हमने आयरन और सल्फर को मिक्स किया तो मिक्सचर ही रहा, लेकिन जब हमने इसको हीट कर दिया तो वो आपस में केमिकली रिएक्ट करके नया कंपाउंड जो है उन्होंने बना दिया. एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट यानी हीट चेंज में टेक प्लेस, जबकि मिक्सचर में ऐसा नहीं होता. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो कंपोनेंट्स हैं द कंस्टिट्यूएंट और द कंपाउंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. जिन कंस्टिट्यूएंट से वो मिलकर बना है कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं. जैसे अगर मैं एग्जांपल और लू, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर बना वाटर, ठीक है. अब हाइड्रोजन वाटर की कैपेबिलिटी क्या है, ये क्या कर देता है, फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है, जबकि हाइड्रोजन खुद एक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है यानी आग पकड़ लेता है. ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक सपोर्टर है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को. तो इसका मतलब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन दोनों से क्या है, डिफरेंट है. यानी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम इट कंस्टिट्यूएंट. और मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल दिया आयरन सल्फाइड का, जिसमें आयरन सल्फाइड बनने के बाद वो ना तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड में डिजोल्व हो रहा है. इसी तरीके से अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें हम, तो इसमें क्या कह सकते हैं हम कि द कंपोनेंट्स और द कंस्टिट्यूएंट्स of a compound cannot be separated by physical method. अभी हमने physical method use किए थे, उसमें कौन से physical method use किए, उसमें हमने magnetic separation जो है वो इस्तेमाल किया, magnetic separation का इस्तेमाल किया, solvent method का इस्तेमाल किया, लेकिन जो उसके कंपोनेंट थे जो आयरन और सल्फर था, जब कंपाउंड बन गया तो उनको सेपरेट हम नहीं कर पाए. तो ये जो है ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी कंपाउंड्स की, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड किया है हमने. अब हम बात करेंगे ऑफ कंपाउंड, टाइप ऑफ कंपाउंड की, कितने टाइप हैं कंपाउंड के, क्या क्या हैं, ये डिस्कस करते हैं. कंपाउंड जो है जनरली दो तरह के हैं. हमने जब क्लासिफिकेशन की थी वहां हमने मेंशन किया था कि कंपाउंड्स को हम दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं. कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड. नाम इंडिकेट कर रहा है यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड. हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में वर्ड आया ऑर्गन. और ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन का मतलब होता है पार्ट. पार्ट किसका, एनिमल का या प्लांट का. तो यानी द कंपाउंड्स which are obtained from living things, plants and animals. उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे कि ये क्या है, ये organic compound है. और अगर हम modern definition of compound की बात करें organic compound की बात करें, तो modern definition के हिसाब से क्या है, the compounds containing at least carbon and hydrogen and the other elements like oxygen, sulfur, fluorine, chlorine, nitrogen and so on may also be present. तो पहले जो डेफिनेशन थी, क्लासिकल डेफिनेशन की बात करें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्या कहते थे, जो लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन किए जाएं. लेकिन बाद में वोलर और कॉल्स जैसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया है, जो कि आप 10th क्लास में पढ़ेंगे.
तो यहां से डिफाइन जो क्या किया गया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कि वो कंपाउंड जिनमें कम से कम कार्बन और हाइड्रोजन हो और भी दूसरे एलिमेंट, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और भी दूसरे एलिमेंट उसमें हो सकते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, तो ये जो है ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अगर मैं फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको नाम बताऊं, तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में बना, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब वो क्या है, यूरिया, NH2CONH2 फॉर्मूला है यूरिया, और किसने बनाया था, बाय वोहलर। वोहलर ने एक्सीडेंटली लैब के अंदर इसको यूरिया को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज किया था। इसी तरीके से और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हम एग्जांपल्स यहां पर करेंगे। जैसे सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर किया गया था, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब एसिटिक एसिड CH3COOH, जिसे विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, जो सिरका होता है हमारा, ये सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसे प्रिपेयर किया था कॉल्ब ने। कॉल्ब ने लैब के अंदर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, C2H5OH है, मीथेन है जिसे हम मार्स गैस कहते हैं, इसका नाम क्या है, मार्स गैस, ये भी क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, CH4। इथेन है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमारे पास है, इथेन, C2H6 एंड सो मैनी अदर्स, एस्टर है, ईथर है, बहुत सारे हमारे पास क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो नाम से पता चल रहा है इनऑर्गेनिक, यानी दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। दीज कंपाउंड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। ये वो कंपाउंड है जिन्हों इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑब्टेन किया गया है, जैसे रॉक और मिनरल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहां एग्जाम्पल जैसे रॉक सॉल्ट जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, NaCl, ये रॉक सॉल्ट आ गया हमारे पास। वॉशिंग सोडा जो वॉशिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से कास्टिक सोडा क्या है, NaOH, कास्टिक सोडा है। और एग्जांपल लिखें अगर हम ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट, क्विक लाइम। ये दो चार एग्जांपल्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास। क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी तरीके से स्लेट लाइम, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम है जब एक्वा सॉल्यूशन में आ जाता है। तो बहुत सारे, इससे भी बहुत सारे एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस पूरी वीडियो में हमने कंपाउंड
कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या डेफिनेशन है उसकी। एक हमने एक्टिविटी के तौर पे आयरन और सल्फर पाउडर को मिक्स करके कैसे पता लगाएंगे कि किसे हम कंपाउंड और किसे हम मिक्सचर कहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की, और दो जो इसकी क्लासिफिकेशन है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सचर्स के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।